डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज चलते हैं क्लास टेंथ के लिए साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, हम लोग पिछले दिन पढ़ रहे थे लेंस के प्रतिबिंब का आरेख। हम लोगों ने सीखा कि उत्तल लेंस में कैसे उसका डायग्राम बनता है, अवतल लेंस में उसका कैसा डायग्राम बनता है, यानी कि हम लोग लेंस के बारे में कैसा डायग्राम बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उस सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट हम लोगों को लेंस सूत्र। जी हाँ, उसका नाम क्या है? लेंस सूत्र है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे लेंस सूत्र के बारे में। तो ये टेंथ क्लास के एनसीईआरटी में बिल्कुल प्रूफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको जानना चाहिए, आपको प्रूफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि लेंस सूत्र क्या होता है। जैसा कि पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं कि दर्पण सूत्र बहुत इजी है, 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन अगर लेंस सूत्र अगर कोई पूछ लिया तो आपको बताना होगा 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग एक प्रूफ के माध्यम से एक प्रूफ देखते हैं कि कोई लेंस में, कोई सा भी लेंस हो, तो हम लोग यहां पे प्रूफ करेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे और फिर उस उत्तल लेंस से 1/v - 1/u = 1/f प्रूफ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे कि अब हम लोग टॉपिक बनाया है लेंस सूत्र, यानी कि आज हम लोग लेंस सूत्र को प्रूफ करेंगे। अब इस लेंस सूत्र को प्रूफ करने के लिए जरा क्या क्या सा काम करना पड़ेगा वो चीज आप देखिए। सबसे पहले ये जो एक उत्तल लेंस लिए हुए हैं, इस लेंस का नाम क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, अब उत्तल लेंस में कौन कौन सा चीज होता है? तो सबसे पहला ओ होता है उसके सेंटर में, जिसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसके सेंटर से एक लाइन रेखा पास करती है, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष कहा करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, और मुख्य अक्ष पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेंस में दूगो सी होता है, दूगो वक्रता केंद्र होता है, दो ठो फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक तरफ बाई तरफ C1 और F1 है, उसी तरीके से बाई तरफ F2 और C2 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक AB वस्तु को रखे हैं, AB एक वस्तु है। अब इससे एक समानांतर किरणें अगर जाएगी तो यहां से अपवर्तित होगी, जो फोकस से गुजरती है। ऐसा हम लोग आरेख में सीखे हुए हैं कि अगर उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें जाती है तो यहां से होकर फोकस से होकर गुजरती है, तो यहां F2 से होकर गुजरी पक्का। और फिर एक किरण निकलती है जो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए डायरेक्टली निकल जाती है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये कहां कट कर रहा है, तो F2 और C2 के बीच में कहीं कट कर रहा है, और हम यहां पे प्रतिबिंब का नाम दे दिए A' और B'। ठीक है, एक और चीज कि यहां से जो समानांतर किरणें आ रही है, यहां यानी कि लेंस से माध्यम जब चेंज होता है तो लेंस के यहाँ पे नाम दे दिया गया है डी। ऐसा इसलिए क्योंकि OD जो होगा AB के इक्वल होगा, इसीलिए हम इसको नाम दे दिए हैं डी। फिलहाल इस उत्तल लेंस में कौन कौन वस्तु दूरी है, कौन कौन प्रतिबिंब दूरी है, जरा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो वस्तु दूरी है वो O से लेकर A तक के वस्तु दूरी है, क्योंकि हम लोग AB को क्या माने हैं? एक वस्तु माने हैं। तो O से लेकर A तक की दूरी हो गई वस्तु दूरी। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो प्रतिबिंब A' और B' है ना। तो O से लेकर, क्योंकि हम लोग प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग सीखे हुए हैं कि लेंस में जो सभी दूरियां होती है वो कहां से मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो सिंपल वे में बात करें तो O से लेकर A' तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे, जिसको भी कहते हैं। और इस लेंस का फोकस दूरी कौन सा होगा? तो चूंकि ये वाला जो लाइन है वो ये यहाँ पे लेंस से टकराने के बाद वो फोकस से गुजरता है, इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी कौन हुआ? O से लेकर F2 तक के बोलेंगे फोकस दूरी। समझ में आ रहा है? आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि सर
एफ वन भी तो फोकस होगा भाई मेरे, फोकस होगा लेकिन वो किसका होगा, वो तो इसके वजह से ना होगा। देख पा रहे होंगे दो गोलीय पृष्ठ को ना हम लोग लेंस कहते हैं, तो ये वाला के वजह से ना ये केंद्र बन रहा है, ये फोकस वन बन रहा है, लेकिन ये वाला तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है क्योंकि हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है इस वाले सतह से प्राप्त हो रहा है और इस वाले सतह से फोकस F2 होगा, इसलिए O से लेकर F2 तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे, जिसको छोटा F से सूचित करते हैं और यहाँ पे बड़ा F है। ठीक है, अब आपको जैसा कि देखिए प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ न कुछ मेहनत करना पड़ता है, आपको कुछ न कुछ याद रखना पड़ता है उन चीजों को, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आपको चलना पड़ेगा दो ट्रायंगल में, जैसे कि हम लोग दर्पण सूत्र को प्रूफ करने के लिए कुछ ट्रायंगल में समरूप वाला केस बनाए थे, वही चीज यहाँ पे भी आपको चलना पड़ेगा। ट्रायंगल एबीओ तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में चल रहे हैं। अब आपको ये पता नहीं चलेगा कि सर ए डैश बी डैश ओ क्या है सब, तो ए बी ओ कहाँ है जरा हम आपको मार्कर से दिखलाते हैं, ब्लू वाले मार्कर से। ए ट्रायंगल ए बी ओ, तो इस ट्रायंगल को हम लोग यहां से दिखाते हैं। देख पा रहे होंगे जो कलर टिक आउट कर रहे हैं ना वो ए बी ओ है ना, ये देख पा रहे होंगे ये कौन सा हो गया ए बी ओ। ठीक है, और ए डैश बी डैश ओ कौन सा है, तो ए डैश बी डैश ओ यानी कि ये वाला, देख पा रहे होंगे ये वाला पूरा पूरा हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अधूरा बोल रहे हैं, यहां पे पूरा। ठीक है, यानी कि इधर और इधर वाले में हम लोग पूरा चल रहे हैं। ट्रायंगल बिल्कुल याद रखिएगा कि कौन कौन सा ट्रायंगल में चलते हैं तो क्या प्रूफ होता है, तो हम यहां ए डैश बी डैश ओ ए बी ओ ये दोनों ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल में चल रहे हैं तो समरूपता का एक केस होता है कि लंब बटा लंब बोलते हैं, आधार बटा आधार बोलते हैं, तो ए बी ओ में लंब कौन सा है, तो ए बी ओ में लंब जो है ए बी है, और ए डैश बी डैश ओ में लंब क्या है, ए डैश बी डैश है, इसलिए ए बी ओ के लिए लंब ए बी और ए डैश बी डैश ओ के लिए लंब क्या ए डैश बी डैश। उसी तरीके से ए बी ओ में आधार क्या है, तो ए बी ओ में आधार ए से लेकर ओ तक के आधार है, क्योंकि त्रिभुज में आधार होते हैं, लंब होते हैं मतलब कि ऊंचाई होते हैं और एक कर्ण होता है ना, तो यहाँ पे आधार बटा आधार का मतलब ये हुआ कि आप ए बी ओ में आधार देखिए, तो ए बी ओ में आधार कौन सा होगा, तो ए से लेकर ओ तक की दूरी आधार हो गया। अब ए डैश बी डैश ओ में आधार कौन हुआ, तो ए डैश बी डैश ओ में आधार हो गया ए डैश ओ या फिर ओ ए डैश कुछ भी बोल लीजिए, तो यहाँ पे ओ ए डैश लिखा हुआ है, इसको मान लिए हम लोग समीकरण नंबर एक। अब हम लोग फिर से एक और त्रिभुज में चलेंगे, दो त्रिभुज में चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा त्रिभुज में चलेंगे और फिर उसको मानेंगे दूसरा समीकरण और समीकरण एक और समीकरण दो, और दोनों समीकरण से हम लोग क्या कर लेंगे, उसको प्रूफ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो अब हम जैसा बोले कि फिर से कुछ नया ट्रायंगल में चलना होगा, तो अब हम लोग किस ट्रायंगल में चले हैं जरा ध्यान दीजिएगा, तो ट्रायंगल ओ डी एफ टू तथा ए डैश बी डैश एफ टू। अब जरा हम एक ब्लैक मार्कर का यूज कर रहे हैं कि ओ डी एफ टू कहाँ है, तो ओ डी एफ टू देख पा रहे होंगे कि यहां है, इसको हम लोग ब्लैक मार्कर का यूज कर रहे हैं, तो ओ डी एफ टू का वैल्यू आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये ओ डी एफ टू है, देख लीजिए ये ओ डी एफ टू है और हम लोग ए डैश बी डैश एफ टू में चल रहे हैं यानी कि इसमें। तब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें ब्लू वाला भी तो था और ब्लैक वाला भी कर रहे, तो प्यारे स्टूडेंट्स आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक ट्रायंगल लिए हैं ओ डी एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू, क्योंकि यही वाला पॉइंट्स को तो हम एफ टू बोल रहे हैं जो नीचे लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे वाला मिटा देते हैं, ऊपर एफ टू है, ठीक है, आपको अच्छा से झलक रहा होगा इसलिए हम लोग उसको ऊपर एफ टू लिख दिए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो अब की बार जो हम लोग लिए हुए हैं दो ट्रायंगल्स, वो आपको याद रहेगा। देखिए नाम का फर्क नहीं है, यहाँ पे फर्क है कि आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा ट्रायंगल लिया जाता है। एक बार नीचे वाला पूरा ए डैश बी डैश ओ लिए थे, अब की बार में ए डैश बी डैश एफ टू लिए है यहां तक ट्रायंगल। तो दो त्रिभुज में चलेंगे तो फिर से फार्मूला वही कि जब समरूप होते हैं, और बिल्कुल समरूप दिख रहे हैं क्योंकि आमने सामने का कोण जो है बराबर है इनका, तो समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप होते हैं तो लंब बटा लंब आधार बटा आधार होता है। तो ओ डी एफ टू में लंब कौन सा है, तो ओ डी एफ टू में लंब क्या है, ओ डी। और ए डैस बी डैस एफ टू में लंब कौन सा है, ए डैस बी डैस इज इक्वल टू। अब ओ डी एफ टू में आधार कौन सा है, तो ओ डी एफ टू में आधार कौन है, ओ एफ टू, तो ओ एफ टू। ए डैश बी डैश एफ टू में आधार कौन सा है, तो ए डैश बी डैश एफ टू में जो आधार है वो ए डैश एफ टू है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आप जरा चित्र में देखिए, तो ए बी का वैल्यू ओ डी के बराबर है कि नहीं। ए बी मेरा एक वस्तु था और इसी को हम लोग डॉट डॉट लाइन से मिलाए थे, क्यों, क्योंकि एक आयत बनेगा और आयत का आमने सामने का भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए ए बी का जितना ऊंचाई होगा उतना ही ओडी का भी होगा, इसलिए चित्र से स्पष्ट है कि ए बी के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ओडी, या फिर ओडी के जगह पे ए बी रख सकते हैं। बराबर का तो मतलब यही ना हुआ, तो हम ओडी के जगह पे क्या रख रहे हैं, ए बी रख रहे हैं। तो ओडी के जगह पे ए बी रखे तो क्या हो गया, ओडी के जगह पे ए बी रखे तो यहां हो गया ए बी बटा ए डैस बी डैस इज इक्वल टू, इधर का इधर रह गया ओ एफ टू ए डैस एफ टू, ए डैश एफ टू। अब हम इसको मान रहे कौन सा, समीकरण नंबर दो। जैसा कि जानते हैं इसके पहले हम लोग कौन सा समीकरण माने थे, समीकरण नंबर एक। और जब समीकरण एक और समीकरण दो को आप देखिएगा तो लेफ्ट साइड वाला इक्वल है, तो जब दो समीकरण में लेफ्ट साइड का वैल्यू इक्वल रहता है, लेफ्ट साइड का वैल्यू इक्वल रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड वाला भी इक्वल कर देते हैं। तो जब आप समीकरण एक और दो को देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि समीकरण एक का दाहिने तरफ क्या था, तो एओ बटा ओ ए डैश, ठीक है। और समीकरण दो में दाहिने तरफ क्या है, तो ओ एफ टू ए डैश एफ टू। आप बिल्कुल याद रख लीजिए कि कोई भी दो समीकरण में अगर बाएं तरफ की दोनों चीजें बराबर होती है तो दाहिने तरफ की दोनों में बराबर हो जाएंगी। जैसा कि समीकरण एक और दो को देखने पर आपको पता चलता है कि इधर वाला का एलएचएस समीकरण एक का और समीकरण दो का एलएचएस दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो इसका भी आरएचएस और पहले वाला का आरएचएस दोनों इक्वल हो जाएगा समीकरण एक और दो से। हम इसको अभी फिलहाल वही का वही रखे हैं, एओ बटा ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ एफ टू ओ एफ टू। लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक चेंज किए हुए हैं, वो चेंज को आपको समझना है। ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू कहाँ है, तो ए डैश एफ टू यहाँ है, देख पा रहे होंगे ए डैश एफ टू यही दूरी है ना, ए डैश एफ टू ये दूरी है। अब हम इसको पूरा को लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जो दूरी नापते हैं वो प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, इसीलिए इसको हम लोग चेंज करके बना दिए। टोटल ओ ए डैश में से अगर ओ एफ टू को माइनस कर लेंगे तो हम लोगों को ये बचेगा ए डैश और एफ टू बचेगा, इसीलिए ए डैश एफ टू को हम लोग क्या किए, चेंज कर लिए हैं। कैसा चेंज भाई, तो पहले टोटल ओ से लेकर ए डैश ये हो जाएगा टोटल, और टोटल में से ओ एफ टू को अगर घटा लेंगे या हटा लेंगे तो क्या बचेगा, ए डैश एफ टू। इसीलिए इसको चेंज करके लिखे हैं कि आप ओ ए डैश में से, ओ से लेकर ए डैश की दूरी में से अगर ओ एफ टू को घटा लेते हैं, ओ एफ टू को माइनस कर लेते हैं, तो आखिर में तो ए डैश एफ टू ही ना बच रहा है, तो हम इसी ए डैश एफ टू को क्या कर लिए, माइनस में कर लिए, ठीक है। अब माइनस में कर लिए, अब हम लोग लगाएंगे लेंस के चिन्ह परिपाटी, और पता है ना चिन्ह परिपाटी कि लेंस के बाई तरफ की दूरियां माइनस होती है, लेंस के दाई तरफ की दूरियां प्लस होती है, लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां प्लस होती है, लेंस के मुख्य अक्ष की नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। तो हम लोग तो ये सब सारा सीखे हुए हैं, तो चलिए हम लोग यूज करते हैं
लेंस के चिन्ह परिपाटी का, और फिर उसको चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके और फिर यहां वैल्यू पुट कर देंगे और फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। देख पा रहे होंगे अब हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं, लेंस के चिन्ह परिपाटी। तो लेंस का जो चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे उसमें ए वो क्या है, वस्तु दूरी है। तो हम लोग पहले देखें कि ए से लेकर ओ तक की दूरी का, क्योंकि ए भी एक वस्तु है, तो ओ से लेकर, क्योंकि हम लोग सभी दूरियां कहां से मापते हैं लेंस में, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, तो ओ से लेकर ए तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी बोलेंगे। और वस्तु दूरी लेंस के किस ओर है, बाई ओर की दाई ओर, तो आप देख पा रहे होंगे बाई ओर है, तो बाई ओर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस। और ओ ए डैश, तो ओ से लेकर ए डैश तक की दूरी को हम लोग क्या, कौन सा दूरी बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी किस में होनी चाहिए, माइनस में कि प्लस में, तो जी हाँ बिल्कुल प्लस में। क्यों, क्योंकि दाएं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ओ एफ टू का बात करें तो ओ से लेकर एफ टू क्या है, ये तो फोकस दूरी, और फोकस दूरी का मतलब एफ, और एफ प्लस में कि माइनस में, तो किधर है ये फोकस, दाहिने तरफ, तो हम लोग यूज करेंगे प्लस। अब क्या करना है, ये जो समीकरण आया था इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर तीन, और इसको जब आप समीकरण नंबर तीन मानिएगा तो एओ के जगह पे क्या रखिएगा, एओ के जगह पे आप माइनस यू रखिएगा चिन्ह परिपाटी से, ओ ए डैश के जगह पे क्या रखिएगा, तो ओ ए डैश के जगह पे भी यूज करना है, तो यहाँ पे आप भी यूज किए हैं। फिर ओ एफ टू, तो ओ एफ टू के जगह पे क्या रखना है, एफ, किस में, प्लस में, तो एफ। फिर ब्रैकेट में ओ ए डैश, तो ओ ए डैश का वैल्यू कितना, भी, तो वी। और यहां पे माइनस, तो यहां पे भी माइनस, दिख पा रहा होगा। और एफ, एफ किस लिए, क्योंकि ओ एफ टू, ओ एफ टू का वैल्यू कितना, एफ। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये जो हम लोगों का आया, अब हम लोग इससे आगे करना शुरू करते हैं। अब हम लोगों को कोई फिगर का काम नहीं है, तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब आप जब नीचे वाला चीजों को देखिए, ये इस वाले चीज को, तो यहां से क्या बन रहा है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहां क्या बनेगा, माइनस यू इंटू में भी माइनस एफ इज इक्वल टू, भी को एफ से गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा भी एफ, क्लियर। चलिए अब इस माइनस को इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस यू वी, माइनस माइनस प्लस U को F से मल्टीपल करेंगे, यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, तो U भी F से दोनों तरफ डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि देखिए अब ये जो भागा करने वाली होती है चीजें, गुणा करने वाली होती है ना, आपको याद रखने चाहिए स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि जो चीजें लाना होता है, जो चीजें प्रूफ करना होता है हमें, ठीक है, उसको कैसे प्रूफ करना है आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे हम कैसे प्रूफ करेंगे वो फॉर्मूला, लेंस सूत्र अगर लाएंगे कैसे, तो यू बी एफ से भाग करने पे आता है, तो यहां पे लिखा जाए दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, और जैसे ही आप यू वी एफ से भाग देंगे तो यहां क्या बनेगा, माइनस यू वी तो ऑलरेडी है, इसको भी आप यू वी एफ से भाग कीजिए, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, यू एफ है तो यू एफ लिखिए, और उसके नीचे क्या, यू वी एफ लिखिए, फिर क्या, वी एफ है तो फिर आप वी एफ दीजिए, और डिवाइड किस चीज से कीजिए, यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे चीजों को, यहां से यू भी कैंसिल, यहां यू एफ कैंसिल, यहाँ वी एफ कैंसिल, तो कुल मिलाकर क्या बच रहा है डियर स्टूडेंट्स, आपको दिख पा रहा होगा, यह माइनस तो माइनस रहेगा वन बाई एफ, प्लस यहां बन रहा होगा नीचे क्या बच रहा है, वी, यहां पे क्या बच रहा है, यू, ठीक है। अब जरा एक चीज और आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे वन बाई वी को, चूंकि बराबर के बाई साइड है, तो बराबर के जब बाई साइड है तो इसको आप लिखेंगे वन बाई वी, ठीक है। और ये वाला चीज प्लस में है, तो जब इसको हम लोग राइट से लेफ्ट लाएंगे तो यहाँ पे प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस, और बराबर ये माइनस में वन बाई एफ है और उसको उधर ले जाएंगे, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप यहां से देख पा रहे होंगे, यही कहलाता है लेंस सूत्र।
और इस लेंस सूत्र में जैसा कि आपको जानना चाहिए, यहाँ पे भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, यू क्या है, वस्तु दूरी है, और एफ क्या है, फोकस दूरी है। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझें, ये मुझे पूरी तरीके से विश्वास है, पूरी तरीके से उम्मीद है। आप इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, दर्पण सूत्र कैसे आता है, लेंस सूत्र कैसे आता है, इसमें जो डायग्राम बनाना है बिल्कुल क्लियर बनाना है, पेंसिल की सहायता से बनाना है, ठीक है। तो यहां पे जो हम लोगों को आता है, याद रख लीजिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, अगर दर्पण सूत्र आएगा 1/v + 1/u = 1/f, लेंस सूत्र आता है 1/v - 1/u = 1/f, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेंस में होता है माइनस और दर्पण में होता है प्लस। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझिए, जहां पे भी होता है प्रतिबिंब दूरी, यू होता है वस्तु दूरी, और एफ होता है फोकस दूरी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेंस सूत्र को प्रूफ किए, और हम लोग अगले दिन इस सूत्र पे, यानी कि लेंस सूत्र पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक डन किया जाए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में आपके साथ, और फिर मिलकर पढ़ेंगे। तब तक आज के क्लास को यहीं तक खत्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।